आज जो हमारे पास हमारा लेक्चर है वो अबाउट है गुनेड्स, कि गुनेड्स जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट कर रहे हैं। बेसिकली जो गुनेड्स हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वो जो किन में मौजूद है, मेल्स में मौजूद है, और सेकेंड वन किन में मौजूद है, फीमेल्स में मौजूद है। अब जो मेल्स में मौजूद है वो कौन से होते हैं, वो कहलाते हैं टेस्टिस, जिसका सिंगुलर टेस्टिस होता है। फीमेल्स में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ओवरीज होते हैं। अब जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस गैमेट्स को बनाते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जरूरत होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अलावा वो क्या करते हैं, ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। अब जो बेसिकली हमारे पास टेस्टिस है ये सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का काम ये है कि वो क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जो है वो उनको क्या करता है, स्टार्ट कराता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो करेक्टर्स को क्या करता है, एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल मेल्स के जो फेस है, फेस के ऊपर क्या आना, बाल आना, इसके अलावा जो उनकी वॉइस है उसका क्या होना, भारी होना, ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ये क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है हेयर्स को ऑन फेस, इसके अलावा कॉर्सिनस ऑफ वॉइस, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो हमारे पास ओवरीज हैं, ओवरीज क्या कर रही होती है, ओवरीज जो है वो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनको क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं ओवरीज। अब इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं फीमेल्स के अंदर उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट है वो क्या होने लग जाएंगे, उनके साइज में इंक्रीज आने लग जाएगा, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट। सो ये हमारे पास क्या थे, गुनेड्स जो हमारे पास हैं उनके जो हार्मोन्स थे उनके बारे में मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब जो इनकी फर्दर डिटेल है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में